हरण का 12वां ऑडियो 46 तक वचन हो चुके हैं। अब 47 से आगे शुरू करते हैं। विशेष ज्ञान 47 से 53 विशेष ज्ञान के सूत्र हैं, वचन हैं। वचन संबंध अशा कर्माचे मलाचे शालन झाल्यावर्त्या ज्ञानियास परमेश्वर काय देतात। ऐसे कर्मों का मलों का शालन होने पर उस ज्ञानी को परमेश्वर क्या देते हैं। परमेश्वर ऐसा कर्मों का मलों का शालन होने पर झाल्यावर त्या ज्ञानियस परमेश्वर का उस ज्ञानी को परमेश्वर क्या देते हैं। वचन है, या परियोग्य हो त्यासी परमेश्वर विशेष ज्ञान दान करीति। उसका आंसर है प्रश्न का, संबंध का, एवं त्या ज्ञानियस परमेश्वर विशेष ज्ञान दान देता और उस ज्ञानी को परमेश्वर विशेष ज्ञान दान देते हैं। क्या कहते हैं? दान में देते हैं। अर्थ वचन का, या परियोग्य होय अर्थात म्हणजे अशा प्रकारे मलांचे शालन करून जो योग्य होतो। या परियोग्य होय अर्थात इस प्रकार से मलों का शालन करके जो योग्य होता है। इस प्रकार से मलों का शालन करके जो योग्य होता है। तयासी म्हणजे त्या सामान्य ज्ञानियास, तयासी अर्थात उस सामान्य ज्ञानी को, तयासी अर्थात उस सामान्य ज्ञानी को परमेश्वर अर्थात उभय दृष्टि साधन दाता, उभय दृष्टि साधन दाता या उभय दृष्टि साधन दाता ज्ञान दान करिति अर्थात सामान्य ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान ज्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञानच नाही असे जे विशेष ज्ञान ते देतात। सामान्य ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान, सामान्य ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान जिस कौमा जिस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान ही नहीं, जिस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान ही नहीं ऐसा जो विशेष ज्ञान वह देते हैं। असे विशेष ज्ञान झाले तत् संबंधे कौनते कार्य झाले। ऐसा विशेष ज्ञान हुआ उससे कौन से कार्य हुए। विशेष ज्ञानी दैव सृष्टि वेगड़ा होए सकला ही शक्ति अधीना होती अप्रोक्षा होती। आंसर इसका है, प्रश्न जो है उसका आंसर है, एवं विशेष ज्ञान होताच तो दैव सृष्टि वेगड़ा हो तो अनि सर्व जड़ा चेतना शक्ति अधीना होता। एवं और विशेष ज्ञान होते ही वह दैव सृष्टि से अलग हो जाता है। और विशेष ज्ञान होते ही वह दैव सृष्टि से अलग हो जाता है और सभी जड़ चेतन शक्ति उसके अधीन हो जाती हैं। सभी जड़ चेतन शक्ति शक्तियाँ सभी जड़ चेतन शक्तियाँ उसके अधीन हो जाती हैं। विशेष ज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान झाल्या बरोबर, विशेष ज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान होते ही सृष्टि वेगळा होय अर्थात म्हणजे दैव सृष्टीच्या देवतांच्या वेगळा होतो। सामान्य ज्ञानी या देवता दीन झाल्या होत्या। दैव सृष्टि वेगळा होय अर्थात दैव सृष्टि की देवताओं से अलग हो जाता है। सामान्य ज्ञान में यह देवता अधीन हुई थी, यह देवता अधीन हुई थी परंतु अंतःकरण में थोड़ा किंचित मत्सर्य भाव था। वह विशेष ज्ञान होते ही नहीं सा हो गया। वह विशेष ज्ञान होते ही नहीं सा हो गया। सकला ही शक्ति अधीना होती म्हणजे सर्व जड़ चेतन शक्ति विशेष ज्ञानियास अधीन होतात। अप्रोक्षा होती म्हणजे त्या अधीन झाल्या आहेत असे विशिष्ट विशेष ज्ञानियास स्पष्ट कळते दिसते। सकला ही शक्ति अधीना होती अर्थात सभी जड़ चेतन शक्ति
विशेष ज्ञानी के अधीन हो जाती हैं। सकल ही शक्ति अधीना होती, अर्थात सभी जड़ चेतन शक्तियाँ विशेष ज्ञानी के अधीन हो जाती हैं। अपरोक्षा होती मंजे तया, अपरोक्षा होती अर्थात तया अधीन जाले, वह अधीन हो गई हैं, ऐसा विशेष ज्ञानी को स्पष्ट दिखाई देता है, मालूम होता है, स्पष्ट मालूम होता है, दिखाई देता है। अगला वचन संबंध है, सर्वशक्ति अधीन झाल्या तर माया देखिल अधीन झाली काय। सभी शक्तियां अधीन हो गई तो माया भी अधीन हो गई क्या? सभी शक्ति शक्तियां अधीन हो गई तो माया भी अधीन हो गई क्या? माया को पुनी उदासीन होए एवं माया अधीन झाली नाही, और माया अधीन हुई नहीं, माया अधीन हुई नहीं। अर्थ माया मंजे चिज्जड़ माया, लिख माया अर्थात चिज्जड़ माया, कोपोनी अर्थात राग घेऊन, यानी राग शब्द का अर्थ क्या होगा? कुपित होकर, कोपोनी अर्थात कुपित होकर, उदासीन होए अर्थात उदास हो जाती है, नाराज हो जाती है। उदासीन होए अर्थात उदासीन होती है, नाराज होती है, उदास होती है, नाराज होती है। वचन संबंध, माये वेगल्या सर्वशक्ति अधीन झाल्या तर जड़ा शक्ति सर्व अधीन झाल्या काय। सर्वशक्ति आपले अपन अधीन झाल्या काय। माया को छोड़कर सभी शक्तियां अधीन हो गई, माया को छोड़कर सभी शक्तियां अधीन हो गई तो सभी जड़ शक्तियां अधीन हो गई क्या? माया को छोड़कर सभी चेतन शक्तियां अधीन हो गई तो सभी जड़ शक्तियां भी अधीन हो गई क्या? सभी शक्तियां अपने आप अधीन हो गई क्या? सभी शक्तियां अपने आप अधीन हो गई क्या? सब शक्ति अपने आप अधीन, सभी शक्ति अपने आप अधीन हुई क्या? वचन, माया कृपा वितरित परमेश्वरु त्यासी सकला ही शक्ति दाना करीती, एवं जड़ा शक्ति आंत कृपा ही अधीन जाली नाही, सर्व शक्ति अपने आपन अधीन झाल्या नाही, परमेश्वरा ने दान दिल्या मुले अधीन झाल्या। लिखते हैं हिंदी में, और जड़ शक्ति के अंतर्गत, जड़ शक्ति, जड़ शक्तियों में से, जड़ शक्तियों में से कृपा शक्ति यह अधीन नहीं हुई, और जड़ शक्तियों में से कृपा शक्ति यह अधीन नहीं हुई, शक्ति अपने अपने अधीन झाले नहीं, सभी शक्तियां अपने आप अधीन हुई नहीं, सभी शक्तियां अपने आप अधीन हुई नहीं। परमेश्वर ने दान देने के कारण अधीन हुई, परमेश्वर ने दान देने के कारण अधीन हुई। अब इसमें अर्थ में स्पष्टीकरण आएगा, कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वरु त्यासी, अर्थ करना है ना, यही वचन है ना, माया कृपा हाँ परमेश्वर सकल शान करी, अर्थ है माया कृपा व्यतिरिक्त, अर्थात म्हणजे माया आणि कृपा या दोन्ही शक्ती वगळून, परमेश्वर म्हणजे साधन दाता अवतार, सकल शक्ती दाना करीती म्हणजे सर्व जड चेतन शक्तीचे दातृत्व करतात। हिंदी में लिखते हैं, माया कृपा व्यतिरिक्त अर्थात माया और कृपा यह दोनों शक्तियों के अलावा, माया और कृपा यह दोनों शक्तियों के अलावा, माया और कृपा यह दोनों शक्तियों के अलावा परमेश्वर अर्थात साधन दाता अवतार सकला ही शक्ति दाना करती, अर्थात सभी जड़ चेतन शक्ति का दातृत्व करते हैं। सकला ही शक्ति दाना करती अर्थात सभी जड़ चेतन शक्ति का दातृत्व करते हैं, यानी देते हैं।
वचन संबंध अगला, आशा शक्ति के दात्रो तो परमेश्वर ने केले, परंतु विशेष ज्ञानिया त्या शक्ति कशा प्रकार अधीन झाल्या, जड़ चेतन शक्ति सारख्या अधीन झाल्या काय, ऐसा शक्ति का दात्रो परमेश्वर ने किया, ऐसा शक्ति का दात्रो परमेश्वर ने किया, परंतु विशेष ज्ञानिया त्या शक्ति, परंतु विशेष ज्ञानी को वह शक्ति किस प्रकार से अधीन हुई? क्वेश्चन मार्क। जड़ चेतन शक्ति सारख्या अधीन झाल्या काय, जड़ और चेतन शक्तियां समान अधीन हुई क्या, जड़ और चेतन शक्तियां समान अधीन हुई क्या, तो सकला सी ही प्रमाण द्रव्य होए। इसका आंसर नहीं है, अर्थ है सीधा, मग अर्थात परमेश्वर ने विशेष ज्ञानी आला, मग अर्थात परमेश्वर ने विशेष ज्ञानी को जड़ चेतन उभय शक्ति चे दातृत्व केल्यावर, परमेश्वर ने विशेष ज्ञानी को जड़ चेतन शक्ति, जड़ चेतन दोनों शक्तियों का दातृत्व करने पर अर्थात विशेष ज्ञानिया सकला सी ही अर्थात सभी चेतन शक्तियों को देवताओं को प्रमाण अर्थात अत्यंत मान्य, सभी चेतन शक्तियों को देवताओं को प्रमाण अर्थात अत्यंत मान्य, परमेश्वरानंतर सर्वश्रेष्ठ हा विशेष ज्ञानिया चाहे अशा प्रकारे मान्य हो तो, परमेश्वर के बाद प्रमाण अर्थात अत्यंत मान्य, परमेश्वर के बाद सर्वश्रेष्ठ यह विशेष ज्ञानी ही है, इस प्रकार से मान्य होता है, इस प्रकार से मान्य होता है। जड़ा शक्ति न द्रव्य मंजे आधारभूत, और जड़ शक्तियों को द्रव्य अर्थात आधारभूत होता है, और जड़ शक्तियों को द्रव्य मंजे आधारभूत होता है, आधार बन जाता है विशेष ज्ञानी, विशेष ज्ञानी के आधार पे वो शक्तियां आ जाती हैं, यानी विशेष ज्ञानी में इतनी ताकत आ जाती है कि जड़ शक्तियां हाँ उसके आधार पे हो जाती हैं, हाँ यानी वो उनको यूज कर सकता है, उसके आधारित हो जाती हैं। 52 अशा विशेष ज्ञानिया सकल शक्ति अधीन झाल्या तत् संबंधे त्या सुख वाटत असेल, समाधान वाटत असेल, विशेष ज्ञानिया कशा प्रकारच्या देहात असतो आणि त्याच्या ठिकाणी विश्वेपर्यंत मल नाहीत, मग आद्यमल देखील नसेल, इस प्रकार से विशेष ज्ञानी सभी शक्तियां अधीन हुई, उससे उसको सुख महसूस होता होगा, समाधान होता होगा, सुख होता होगा, समाधान होता होगा। विशेष ज्ञानिया कशा प्रकार चा देहत, विशेष प्रकार विशेष ज्ञानी किस प्रकार की देह में होता है, आणि त्याच्या ठिकाणी विश्व पर्यंत मल नाहीत, मग आद्य मल देखील नसेल, और उसके ठिकाणी विश्व तक के मल नहीं है, फिर आद्य मल भी नहीं होगा। आद्य मल युक्त चरम देह स्थित कृपास्पदी भूत होनी असे, आद्य मल युक्त चरम देह स्थित कृपास्पदी भूत होनी असे, यह अर्थ है। आद्य मल युक्त अर्थात तो विशेष ज्ञानिया आद्य मला संवेत आहे, वह विशेष ज्ञानी आद्य मल सहित है, आद्य मल युक्त अर्थात वह विशेष ज्ञानी आद्य मल सहित है, आद्य मल युक्त अर्थात तो वह विशेष ज्ञानिया आद्य मल सहित है, चरम देह स्थित अर्थात विश्व चा मूर्ति सारखे कारण परमाणु चे त्याचे देह अस्ते, विश्व की मूर्ति के जैसा, विश्व की मूर्ति के समान, विश्व की मूर्ति के समान कारण परमाणु के, कारण परमाणु का उसका देह होता है, विश्व की मूर्ति के समान कारण परमाणु का उसका देह होता है, होता है ऐसे देह में वह होता है, लिखा ही नहीं हमने, मूर्ति के समान कारण परमाणु का उसका देह होता है, ऐसे देह में
वह होता है। बृहस्पति भूत अर्थात परमेश्वर माजावर केवा प्रसन्न होतिल कृपा करतिल असि दुखाने व्याकुल होन असे मंजे जाले रास्ता। कृपास्पति भूत अर्थात परमेश्वर मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, परमेश्वर मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे ऐसे दुख से व्याकुल होकर, फिर मुझ पर कब प्रसन्न होंगे कृपा करेंगे ऐसे दुख से व्याकुल होकर असे अर्थात झाले रहता है। हाँ तर वचन समझ सकते थे, तर सर्व काल असा दुखी अस्तो का है, तो हर समय ऐसा दुखी ही रहता है क्या? तो सब हर समय ऐसा दुखी ही रहता है क्या? वचन मग परमेश्वर त्याची कृपा करीती एवं दीर्घ कालानंतर परमेश्वर त्याच्यावर प्रसन्न होता आणि त्याचे दुःख हरते, और लंबे समय के बाद परमेश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके दुख हर लेते हैं, और उसका दुख और परमेश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसका दुख हर लेते हैं। मग परमेश्वर त्याची कृपा करीती, मग अर्थात खंती उदासीनता परिहल्या एवं दीर्घ कालानंतर परमेश्वर त्याच्यावर प्रसन्न होतात आणि त्यास कृपास्पदीचे दुःख वेगळे करतात व त्याचे दुःख हरते। हाँ और दीर्घ समय और लंबे समय समय के के बाद बाद परमेश्वर उस पर प्रसन्न परमेश्वर होते हैं और प्रसन्न होते हैं उसको कृपास्पदी के दुख से अलग करते हैं, दुख हर लेते हैं। मग अर्थात खंती उदासीनता दूर होने पर परमेश्वर अर्थात साधन दाता उभयदर्शी अवतार त्याची अर्थात उस विशेष ज्ञानी की ज्ञानी पर करते अर्थात अवहेर उदासीनता छोड़कर प्रसन्न होते हैं, यानी विशेष ज्ञानी पर का अवहेरन कर रहे थे, उस पर उदासीन थे, उसकी तरफ देखते नहीं थे, तो वो बहुत समय बाद जब सारी गलतियां का वो समय बीत जाता है, उसको इतनी देर अवहेरन किया, उसको इग्नोर किया, उसकी तरफ देखा नहीं, तो उसकी जो नेगेटिविटी थी वो सारी दूर हो जाती है। वो दुख करता है मेरी तरफ देखते नहीं, मेरे से बात नहीं करते, पता नहीं क्या गलती की मैंने, तो उसमें दुख रहता है, व्याकुल रहता है वो, मेरे से बात नहीं करते, मैंने क्या ऐसा किया है, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी, मुझे बताते भी नहीं है, तो वो उतनी देर लगा रहता है, अवहेर और उदासीन हो जाते हैं दो। अवहेर यानी उसकी तरफ इग्नोर करना, उदासीन यानी उदास हो जाना, वो दूर हो जाती है समय के साथ। वो दुख करता है तो दुख से उसका कर्मों का नाश नाश हो जाता है, जो जो उसने अयोग्यता जोड़ी होती है, फिर वो छोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं। कृपा करती अर्थात अविहेर उदासीनता को छोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं उस विशेष ज्ञानी पर। अगर था अविहेर उदासीनता छोड़कर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर प्राप्ति दें ऐसी कृपा का स्वीकार करते हैं। कृपा करता अविहेर उदासीनता छोड़कर प्रसन्न होकर प्राप्ति दें ऐसी कृपा का स्वीकार करते हैं, ऐसी प्रसन्नता स्वीकारुं परमेश्वर काय करतात। फिर वो अब विद्या छेद के वचन हैं, वो अलग से हैं, ठीक है जी, ये विद्या छेद के वचन इसके बाद अलग से आएंगे। 54, 55, 56।